अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, वेलकम टू द 13th लेक्चर ऑफ साइंस। आई एम योर टीचर सारा नदीम। आई होप यू ऑल आर फाइन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन, एंड देन आल्सो वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। यस, और हमने बुक वर्क जो था वो कर लिया था। हमने एमसीक्यूज और एक मैचिंग का क्वेश्चन था बुक पे जो सॉल्व करना था, और उसके अलावा जो एक डायग्राम थी उस पर लेबल करनी थी वो हमने कर ली थी। आज हम फर्दर जो क्वेश्चन रह गए थे वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर्स हमारे रह गए थे और लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे। शॉर्ट आंसर्स तो ऑब्वियसली आपने कॉपी पे करने होते करने सॉल्व, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपने बुक पे मार्क करने, और पेज नंबर आपने उन टॉपिक्स के क्वेश्चन के आगे लिखना है एक्सरसाइज में। उसके अलावा हमने क्रिटिकल थिंकिंग भी आज करनी है, इसको भी सॉल्व करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग को, चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा, उसके अलावा फर्दर हम जो आज के लेक्चर में हम आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज केमिकल रिएक्शंस। बायोलॉजी के हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे वो केमिस्ट्री के पोर्शन से होगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, और ये एक बेसिक केमिस्ट्री होगी। इसमें आपको जो है आप समझ लें जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, देन फर्दर उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जो है आप इसमें केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। बेसिक केमिस्ट्री आप ये समझ लें इस चैप्टर में। और आज हमने जो इस चैप्टर में रीडिंग करनी है वो इंट्रोडक्शन लेंगे हम इस चैप्टर का, उसके अलावा 5.1 टॉपिक जो कि केमिकल रिएक्शंस का है उसको रीड करेंगे, उसको देखेंगे। उसमें हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे हो रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स के साथ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं आपके बुक के पेज नंबर 61, 62 एंड 63 पर हैं। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2.1 जो था एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2.1 एमसीक्यूज थे, चूज द करेक्ट आंसर, यस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन थे, जो कि हमने बुक पे सॉल्व कर लिए थे। देन उसके बाद 2.2 थे मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द रेलिवेंट वर्ड्स इन कॉलम बी, ये भी हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। देन उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 2.9, यस आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 2.3 से स्टार्ट करना है, एंड दैट इज एक्चुअली योर कॉपी वर्क। आपने ये जो क्वेश्चन है आपने कॉपीज पे सॉल्व करना है, दैट इज गिव शॉर्ट आंसर्स। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, 5 शॉर्ट आंसर्स हैं, तो आपने ये अपनी कॉपीज पे सॉल्व करने हैं, और ये शॉर्ट आंसर्स जो हैं बारी बारी देखते हैं कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट वन, नेम 2 इनहेरिटेबल करेक्टर्स। आपने यहाँ पे कोई से भी 2 इनहेरिटेबल करेक्टर्स को बताना है। इनहेरिटेबल करेक्टर्स का टॉपिक पेज नंबर 25 पे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं या आप इंटरनेट से ले सकते हैं। वैसे बुक में भी बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे मैंशन है जो कि इनहेरिटेबल होते हैं। आपने कोई से 2 के नेम जो है यहाँ पे मैंशन करने हैं। इसी तरह से पहले आपने एक स्टेटमेंट देनी है, लाइन लिखनी है, देन उसके बाद पॉइंट्स नंबर 1, नंबर 2 नंबरिंग देके आपने उन करेक्टर्स के नेम लिखने हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। इनहेरिटेबल करेक्टर्स का टॉपिक के नीचे ही बिल्कुल नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स का टॉपिक है, जिसमें पेज नंबर 25 का आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है, यस। तो उसमें से आपने बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन को लिखना है, आंसर को लिखना है, वैसे ही इस वाले आंसर को लिखना है। आपने पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है, द नेम्स ऑफ 2 नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स आर, देन नंबरिंग देनी है, और कोई से भी 2 लिख लेने हैं। कि इसमें बुक में हमने देखा था कि जो कोई वीकनेस की वजह से या कोई ऑर्गन्स की जो इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ऑर्गन लॉस हो जाते हैं, ऑर्गन वीक हो जाते हैं, किसी बीमारी की वजह से ऑर्गन वीक हो जाता है बाद में, तो वो इन नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स में आते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 मेंशन करने नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, और ऑब्वियसली आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग लेना चाहें तो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ जीन। जीन की आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। आपने ऊपर हेडिंग देनी है सबसे पहले, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास में पेज के सेंटर में आपने हमेशा इस तरह से लिखनी है डेफिनेशन, या जब भी आप जब भी आप किसी भी चीज़ के डेफिनेशन लिखोगे तो उसका तरीका यही है, इन्वर्टेड कॉमास में और पेज के सेंटर में और ऊपर हेडिंग देके। और जीन को बेसिकली पेज नंबर 23 से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे जीन के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। जीन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे जस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइंड हेरिडिटी। यहाँ पे भी सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, अगेन डेफिनेशन लिखने का तरीका वही है। आप हेरिडिटी की हेडिंग दोगे, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने हेरिडिटी की डेफिनेशन को लिखना है पेज के सेंटर में। और काइंडली क्लास जो गाइडलाइंस आपको लेक्चर में दी जा रही है उनको फॉलो किया करें।
खैर हेडिटी की डेफिनेशन आप लोग पेज नंबर 22 से ले सकते हैं, और वन लाइन की जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है इस आंसर में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स? हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? ये भी टॉपिक जो है पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है, हैप्लॉइड सेल्स के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स के टॉपिक में, पेज नंबर 25 पे, यस, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स के टॉपिक में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट 2-3 लाइन्स है आई थिंक, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। और आपने हैप्लॉइड सेल्स के बारे में बताना है कि क्या होते हैं, वही सेल्स के यूजली गैमेट्स, स्पर्म्स या एग्स को जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, फॉर्मेशन हो रही होते हैं, उनको हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। आपने वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हैप्लॉइड सेल्स की हेडिंग दे के नीचे। ओके, इसके बाद लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के बाद है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चंस को बारी बारी देखते हैं आपने किस तरह से लिखना है, मतलब इसके आंसर्स मार्क करने। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने जो पेज नंबर्स हैं वो अपनी बुक एक्सरसाइज पे मेंशन करने पेज नंबर्स, और जो आंसर्स हैं वो अपने बुक पे चैप्टर में मार्क करने। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम किया था, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को कॉपी पे तो हमने नहीं करना, जस्ट इसके पेज नंबर लिखने एक्सरसाइज में, और आपने मार्क करने हैं इसके आंसर्स अपने चैप्टर में, यस, चैप्टर में आपने मार्क करने इसके आंसर्स जो लॉन्ग क्वेश्चंस के। ओके, सो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4, डिस्क्राइब माइटोसिस। सो आपने जिस माइटोसिस को पूरा डिस्क्राइब करना है, एक बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है माइटोसिस का, पेज नंबर 20 और 21 से आप पे आप देख सकते हो इस टॉपिक को। और लिखना आपने किस तरह से कि आपने हेडिंग्स बना के प्रॉपर लिखने, जो जो भी आपको लगता है हेडिंग्स बन सकती हैं आपने वो हेडिंग्स बनानी है। जैसे सबसे फर्स्ट वन आप हेडिंग दो माइटोसिस की, देन उसमें माइटोसिस की आप डेफिनेशन लिखोगे, माइटोसिस क्या होते हैं वो बताओगे, देन माइटोसिस के जो फेजेस होते हैं आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले ऑब्वियसली इंटरफेस आता है, तो इंटरफेस की हेडिंग दे दी, उसमें इंटरफेस बता दिया, देन न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन होती है जो उसके बाद, यस, इंटरफेस के बाद न्यूक्लियर डिवीजन होती है, तो आप न्यूक्लियर डिवीजन को एक्सप्लेन कर दोगे हेडिंग दे के यहाँ पे। देन लास्ट वन जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, आपने वो इसको एक्सप्लेन कर देना है साइटोकाइनेसिस के हेडिंग के अंडर। देन उसके साथ साथ एक जो डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है फिगर 2.1 माइटोसिस की, ये भी आपने जरूर बनानी है इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ के डायग्राम, ठीक है। अगेन पेज नंबर 20 और 21 से, 21 का हाफ जो है वहां, यहाँ वहां तक आपका आंसर होगा मियोसिस से ऊपर ऊपर तक, तो वहां तक आपने बुक पे मार्क भी कर लेना, और पेज नंबर जो आपने मेंशन करने हैं अपनी एक्सरसाइज पर। मैंने यहाँ पे आप हेडिंग्स आपको बना के एक्सप्लेन किया, आप बेशक अपनी हेडिंग्स जो है मार्क कर लो बुक पे ही, साथ साथ मेंशन कर लो हेडिंग्स को जहां जहां तक लिखना है उसके जो जिस हेडिंग के अंडर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 2.5, डिस्क्राइब मियोसिस। मियोसिस को आपने एक्सप्लेन करना है और बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने माइटोसिस को लिखा था। मियोसिस पेज नंबर 21 पे है, वहां से पेज नंबर 21 आप बुक एक्सरसाइज पे मेंशन करोगे, देन आप मियोसिस की हेडिंग दो और मियोसिस को एक्सप्लेन करो, एंड देन मियोसिस के जैसे टू फेजेस होते हैं, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन, तो आपने दोनों की सेपरेट हेडिंग्स दे के और इन हेडिंग्स के अंडर आप वो एक्सप्लेन कर दोगे इन दोनों डिवीजन को। और इसके साथ भी डायग्राम बनाना मस्ट है, विच इज फिगर 2.2 ऑफ मियोसिस, तो आपने इस डायग्राम को ऐसे ही बनाना है इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2.6, डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि आपने सबसे पहले इसमें टू पार्ट्स इस क्वेश्चन के, सबसे पहले तो डिफाइन हेरिडिटी, वैसे ही आपने हेरिडिटी की हेडिंग देनी है, देन उसके जैसे हम डेफिनेशन को मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स में बताया कैसे डेफिनेशन लिखनी है, आपने बिल्कुल वैसी डेफिनेशन लिखनी है हेरिडिटी की जो कि पेज नंबर 22 में हेरिडिटी के टॉपिक में आप वन लाइन की छोटी सी डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन लिखनी है वहां से। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी की हेडिंग दे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफरिंग की जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में हो रही होती है, जो कि पेज नंबर 23 का फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि हेरिडिटी के अंदर ही आ रहा है, इसमें वेरिएशंस का बताया हुआ है और डिफरेंट उन चेंजेस का बताया हुआ है, तो आपने वो इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी के अंदर ये पैराग्राफ आ जाएगा सेकेंड, जो कि पेज नंबर 23 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2.7 है उसमें पूछा हुआ है कि उन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकती हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स जो, या वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं उनको इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहते हैं। सो आपने सबसे पहले इनहेरिटेबल करेक्टर्स की हेडिंग देनी है, और पेज नंबर 25 में जो इनहेरिटेबल करेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है वो पैराग्राफ आपने उसको मार्क करना है, वो यहाँ पे आएगा। इनहेरिटेबल करेक्टर्स के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें नॉन इनहेरिटेबल के बारे में हमने नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है जो ट्रांसफर होती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेबल करेक्टर्स होती हैं।
ठीक है, तो नॉन इनहेरिटेबल तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो हम वहां यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पेज नंबर 25 से आपने जस्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का वो लेना है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो हम एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 26 पर हैं, और दो एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट वन आई कलर एंड द सेकेंड वन अटैच्ड एंड डीटैच्ड ईयर लोब्स, तो हमने इसको भी आंसर में इंक्लूड करना है क्वेश्चन नंबर 2.7 में। देन क्वेश्चन नंबर 2.8, राइट नोट्स ऑन, आपको थ्री यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए 2.8 में, आपने उन पे नोट लिखने हैं, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखना है किस तरह से इनका आंसर लिखना है। सबसे फर्स्ट वन है डीएनए। अब डीएनए का जो टॉपिक है उसको दो जगह पे लिखा हुआ है, एक तो पेज नंबर 20 पे यूनिट टू नो बॉक्स में, एंड देन एक पेज नंबर 23 में बेसिस ऑफ हेरिडिटी में डीएनए को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपने आंसर इसका सबसे किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आप पेज नंबर 20 से डीएनए की हेडिंग लोगे जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, जिसमें डीएनए की स्टैंड फॉर बताया हुआ है, और उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट में डीएनए के बारे में ही बताया हुआ है कि डीएनए का क्या फंक्शन होता है, क्या काम कर रहा होता है। आप डीएनए को फर्स्ट पैराग्राफ में इस तरह से ये लिखोगे, पेज नंबर 20 से यूनिट टू नो बॉक्स है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, एंड देन पेज नंबर 23 से बेसिस ऑफ हेरिडिटी का जो टॉपिक है वहां से सेकंड पैराग्राफ है जो कि उस जिसमें उन्होंने डीएनए के बारे में बताया हुआ है, तो वो सेकंड पैराग्राफ इसका जो होगा आंसर में इंक्लूड होगा। तो डीएनए का इन दो जगह से आप डीएनए को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वन, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे लिखना है, तो क्रोमोसोम्स को जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो मोस्टली जो है 23 पेज पे बेसिस ऑफ हेरिडिटी के टॉपिक में किया हुआ है। पेज नंबर 23 का जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्रोमोसोम्स पे, एंड देन जो है पेज नंबर 24 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है पूरा डायग्राम के अंडर, वो पूरा क्रोमोसोम्स के अंडर आ जाएगा। क्रोमोसोम्स को आप टॉपिक में इस नोट में ऐड करोगे, ओके। उसके अलावा साथ साथ क्रोमोसोम्स के साथ ये डायग्राम आपने जो फिगर 2.3 है वो आपने क्रोमोसोम्स के साथ बनानी है, क्रोमोसोम्स के टॉपिक के साथ इंक्लूड करनी है इस डायग्राम को, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक है जीन्स। जीन्स का जो टॉपिक है वो भी बेसिस ऑफ हेरिडिटी के अंडर ही आ रहा है पेज नंबर 23 पे, और पेज नंबर 23 का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें जीन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने जीन्स के आंसर में पेज नंबर 23 से जो बेसिस ऑफ हेरिडिटी का फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मार्क कर लेना है। ओके क्लास, तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अब हमने नेक्स्ट जो करना है इस चैप्टर की क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गैमेट्स फॉर्मिंग अ जायगॉट आर डिप्लॉयड। क्या इन्होंने यहाँ पे पूछा है, गैमेट्स सबसे पहले तो बता रहे गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड मतलब जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, तो ह्यूमंस के गैमेट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। उन्होंने फर्दर पूछा है कि अगर गैमेट्स डिप्लॉयड हो जाएं, मतलब गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना हो, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा। गैमेट्स ने आगे फर्दर जायगोट को बनाना होता है ना, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या चेंज आ सकता है आपके अकॉर्डिंगली। सो अगर हम इसको इमेजिन करें, इसको सोचें, तो गैमेट्स ने मिलना होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स ने उन्होंने कंबाइन होना होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं डबल हो जाते हैं गैमेट्स में, जैसे 23 और 23 होते हैं ना मेल और फीमेल में, एंड देन वो जब जायगोट बनता है तो उसमें 46 होते हैं, ठीक है। देन अगर गैमेट्स में ही 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जायगोट बनेगा तो उसमें प्लस होके, तो 46 प्लस 46 ये तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक नंबर ऑफ, फिर देखे ना जायगोट से क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है, जायगोट एक बिल्कुल बिगिनिंग होती है ना, उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग पूरा डेवलप होता है, तो अगर जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बिल्कुल उसके डबल जो पहले थे, तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज हो गई, ये तो वो चीज हो गई कि तो वो ह्यूमन बींग ही नहीं रहा, तो इस क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो गए, इट मीन्स कि स्पीशीज सेम ही नहीं रही, क्योंकि हर स्पीशी में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वो स्पीशीज होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, एन इंजरी ऑन अ पर्सन बॉडी नीड्स मोर एंड मोर सेल्स फॉर द रिपेयर ऑफ हिज बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू यू थिंक विल प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स फॉर हिज बॉडी रिपेयर। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है अगर किसी पर्सन की कहीं भी बॉडी पे कहीं भी इंजरी हो गई है और उसको मजीद ज्यादा से ज्यादा सेल्स की जरूरत है ताकि वो बॉडी पार्ट जो रिपेयर हो सके, तो आपको क्या लगता है कौन सी सेल डिवीजन उसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स प्रोवाइड कर सकती है। सो इसका बिल्कुल इजी सा आंसर है माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस ही वो चीज होती है जो कि कहीं भी बॉडी पार्ट में सेल्स की जरूरत है, ज्यादा सेल्स को मोर प्रोड्यूस करना है तो माइटोसिस ही प्रोड्यूस कर रहा होता है ज्यादा से ज्यादा उन सेल्स को, तो वो सेल डिवीजन होती है। जैसे अगर कहीं कट लग गया फिंगर पे और वहां ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक गई है, देन फिर स्किन ने रिपेयर होना है तो वहां पे मोर सेल्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा सेल्स की, तो वहां पे सेल्स को किसने प्रोवाइड करना है,
जो सेल्स प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगी माइटोसिस, वहाँ माइटोसिस होगा और फिर ज्यादा ज्यादा जो सेल्स है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ माइटोसिस एंड द अदर अ फेज ऑफ मियोसिस। उन्होंने पूछा हुआ इन दोनों में से कौन सी वो फिगर है जो एक माइटोसिस का फेज को रिप्रेजेंट कर रही है और एक मियोसिस के फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने बताना है, फर्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इकट्ठे कंबाइन है और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। तो जब क्रोमोसोम्स इकट्ठे हैं और न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है तो ये तो माइटोसिस हुआ ना। अगर आप फिगर्स को देखें माइटोसिस और मियोसिस की जो टॉपिक्स के साथ बनी हुई है, सो माइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन का बेसिकली वो फेज होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेपरेट हो रहे होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो रेप्लिकेट हुए होते हैं। तो खैर यहाँ पे इसके फर्स्ट वन में आंसर आ जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस। देन अगर हम सेकेंड को देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स आधे एक तरफ हो चुके हैं, आधे एक तरफ हो चुके हैं और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। तो ये है मियोसिस का फेज और मियोसिस के दो फेज होते हैं ना, मियोटिक वन एंड मियोटिक टू। तो ये मियोटिक वन वो फेज है जिसमें जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ओके क्लास, हमारा चैप्टर नंबर टू कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी, क्रिटिकल थिंकिंग भी। अब हम इस लेक्चर में फर्दर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। सो क्लास, ये आप सबको पता है कि जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम्स से मिलके बना है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो स्मॉलेस्ट चीज है, जो वो एटम है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स हैं, ठीक है, हम सेल्स से मिलके बने। लेकिन जो भी चीज दूसरी एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, सब एटम से मिलके बनी है। अब मैटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो एलिमेंट्स की फॉर्म में या तो कंपाउंड्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स होते हैं कि प्योरेस्ट मतलब सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके एक एलिमेंट बना रहे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, H2 का मतलब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका ऑक्सीजन का सिंबल, और O2 मतलब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये यूजली इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं गैसेस फॉर्म में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इस तरह से एक तो एलिमेंट्स हो गए, दूसरा हो गया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, तो वाटर मतलब H2O। अब H2O ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। अब H2O का क्या मतलब है, H2 मतलब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुए वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और एक न्यू कंपाउंड बन गया वाटर। इसी तरह से एक और कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो न्यू एक कंपाउंड बन गया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी मैटर है फिजिकली जो किसी भी तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीन बेसिक फिजिकल फॉर्म्स होती हैं किसी भी मैटर की, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में तो वाटर होता है, ठीक है, जो यूजुअली होता है। फिर जब वाटर को फ्रीज किया जाता है तो वो आइस की फॉर्म में आ जाता है, एंड आइस इज सॉलिड, ठीक है। और जब गैसियस फॉर्म में मजीद उसको हीट अप किया जाता है तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, ठीक है, विच इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, कहीं इन तीनों जगहों पे, इन तीनों स्टेट्स में कहीं पे वाटर से कोई और चीज नहीं बन गया, वाटर ने सिर्फ अपनी शेप चेंज की, फिजिकल फॉर्म चेंज की है, ठीक है। वो वाटर को जब फ्रीज किया तो आइस बन गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, हीट अप किया तो स्टीम बन गया, गैसेस फॉर्म में आ गया, लेकिन तीनों जगह पे रहा वाटर ही है। इसके कहीं पे भी फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है। वाटर यहाँ पे भी H2O था, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी H2O था आइस की फॉर्म में, टू एटम्स हाइड्रोजन विद वन ऑक्सीजन, एंड स्टीम में भी यहाँ पे भी H2O ही था, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद वन ऑक्सीजन। फिजिकल फॉर्म कहीं चेंज नहीं हुई है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें फिजिकल सिर्फ एक स्टेट चेंज हो रही है लेकिन जो केमिकल कॉम्पोजिशन और जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो उसने शेप चेंज किया एक स्टेट में, दूसरी चेंज किया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, मे बी कलर, शेप, कुछ इस टाइप की चीजें, लेकिन जो वाटर है वो वाटर ही रहा है, अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रही है। तो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस का, फॉर्म सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है, उसके अलावा केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रहती है। फिर उसके अलावा ये तो हमने बात की फिजिकल चेंज की, अगर हम यहाँ पे एक और दूसरी एग्जांपल लें, सपोज आपके पास एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें कोई एसिड मिला हुआ हो, ठीक है, सपोज वाटर लिया आपने, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला लिया, बहुत सी तरह के एसिड्स होते हैं ना,
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पता नहीं कितनी तरह के एसिड्स होते हैं। सपोज वाटर में कोई भी एसिड मिला लिया तो उसमें यहाँ पे था वाटर, ये ऑब्वियसली H2O था, एसिड कंबाइन किया मतलब एक मिक्सचर सा बन गया, उसका सोल्यूशन बन गया। फिर उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की कराई गई तो फिर हुआ केमिकल रिएक्शन और वाटर जो था H2O से ब्रेक होके हाइड्रोजन उसमें से अलग हो गई, हाइड्रोजन का जो इसमें एटम्स थे वो अलग हो गए और जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन बिल्कुल अलग हो गई। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखे ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर से दो गैसेस बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड था, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो दो बिल्कुल डिफरेंट न्यू गैसेस आ गई हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो ये होता है केमिकल चेंज, कि यहाँ पे ये दो डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं ना, जब यहाँ पे क्या हुआ, दो न्यू चीजें हमारे पास आ रही हैं, तो ये केमिकल चेंज में होता है। एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, बिल्कुल दो न्यू चीजें आई हमारे पास, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन भी टोटली डिफरेंट, उसकी प्रॉपर्टीज भी टोटली डिफरेंट। कहाँ ये वाटर लिक्विड फॉर्म में और केमिकल कॉम्पोजिशन में H2O, और कहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो बिल्कुल गैसेज और केमिकल कॉम्पोजिशन भी यहाँ पे H2, टू आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन या टू आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। फिर एक जो तीसरी चीज, केमिकल चेंज कभी भी कराने के लिए हमेशा केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है। जब भी आपको केमिकल चेंज चाहिए, आप चाहते हो कोई न्यू चीजें, कोई न्यू सब्सटेंसेस आपके पास बने, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराएगी तो केमिकल रिएक्शन हुआ था। ठीक, ये पेज नंबर आपका 60 है, बुक का चैप्टर का फर्स्ट पेज है, यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से कुछ रीड भी कर लीजिएगा आप लोग। ओके, सो टॉपिक 5.1 केमिकल रिएक्शंस। अब क्या होता है, डेली लाइफ में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हम लोग कभी नोटिस करते हैं कभी नहीं करते। यहाँ कुछ एग्जांपल्स देके देखेंगे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन की, फिर उस तरह से बात करते हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस में एक चीज उन्होंने जो बताई हुई है, ये चीज आपने बहुत ध्यान से सुननी है और नोटिस करनी है, कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस में एटम्स की जो है अरेंजमेंट चेंज हो रही होती है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में रीअरेंज होते हैं और इस तरह से एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। अब कैसे होते हैं, आगे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे रीअरेंजमेंट हो रही होती है। आपकी बुक में पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पिक्चर के साथ ही आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। फर्दर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी है इन्होंने, जो बहुत से कॉमन केमिकल रिएक्शन हैं, बर्निंग ऑफ कोल और नेचुरल गैस। ठीक है, हवा में अगर कोल है सपोज, को वो उसकी भी एयर के साथ रिएक्शन होता है, इस तरह से नेचुरल गैस का भी रिएक्शन होता है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की, और नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन ही होती है। ठीक है, मीथेन एक गैस होती है। उसके अलावा क्या, अब पहले बात करते हैं कोल की। केमिकली कोल इज कार्बन, कोल एक तरह से कार्बन की ही फॉर्म है। ठीक है, कार्बन मतलब सी, इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोल एक कार्बन की ही फॉर्म है। अब आप उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सॉलिड स्टेट है, कलर उसका ब्लैक है। ठीक, फिर उसके बाद अगर उसकी बर्निंग होती है, हवा में बर्न किया जाता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है। होता क्या है, कोल मतलब कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक बिल्कुल न्यू चीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अक्सर जहाँ पे कोल की बर्निंग हो रही होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो एक हमारे सांस लेने के लिए वो बहुत ज्यादा खराब चीज होती है। लेकिन खैर, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात की हुई है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, कहाँ कोल सॉलिड स्टेट में था, यहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास एक गैस आ गई। ऊपर कोल का कलर था ब्लैक, नीचे जब न्यू प्रोडक्ट बना वो कलरलेस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता। तो देखें कितना चेंज आया इस तरह से, तो केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन की थी उससे। ये केमिकल रिएक्शन की एक एग्जाम्पल थी, इस तरह से कोल के रिएक्शन की एक्सप्लेन किया मैं यहाँ पे। ओके, देन फर्दर यहाँ पे देखिए, रीअरेंजमेंट कैसे हुई है रिएक्शन केमिकल्स, सॉरी जो दो एटम्स थे दोनों, उनकी रीअरेंजमेंट कैसे हुई है। फर्स्ट में देखिए, कार्बन का एटम दिया हुआ है। ठीक है, एस मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, कार्बन ब्लैक कलर में सॉलिड फॉर्म में, दो ऑक्सीजन के साथ कब जब कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन दो एटम ऑफ, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जी मतलब गैसियस फॉर्म में जो कंबाइन हुए, बर्निंग हुई बीच में, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें कहाँ रीअरेंजमेंट, देखिए किस तरह से हुई, एक कार्बन एटम मिड में आ गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ साइड पे लग गई, किधर से साइड पे लग गई, और बिल्कुल एक न्यू चीज प्रोड्यूस हुई, दैट इज CO2 इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाती है, एक जो ये बिल्कुल अलग था सेंटर में आ गया ऑक्सीजन के साथ, और ये रीअरेंज हो गए दोनों सब्सटेंसेस आपस में। अब जो न्यू, जो दो टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे इससे रिलेटेड, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस, जो चीजें, जो एटम्स केमिकल रिएक्शन में
पार्ट ले रही होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन करा रही होती हैं बिगनिंग में, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो इन दोनों के रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं रिजल्ट के फॉर्म में, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की है। नेचुरल गैस मींस मीथेन। अब जब नेचुरल गैस मीथेन जो है एयर के साथ रिएक्ट करती है, तो एयर में वो बेसिकली रिएक्ट करती है, एयर के साथ रिएक्ट करती है, नीचे रिएक्शन को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है, एक चीज। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहे होते हैं, इसमें बर्निंग ऑफ मीथेन से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो हो ही रहे होते हैं। कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच विद टू ऑक्सीजन एटम टू गिव वाटर वेपर्स। इसको जरा फिगर के साथ ही देखते हैं। मीथेन, ठीक है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन एटम होता है तो फोर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। देखिए, मिड में एक कार्बन एटम था और साइडों पे फोर हाइड्रोजन अटैच थे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एक बॉन्ड बना हुआ था। और जी मतलब गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन O2, दो ऑक्सीजन के एटम्स अलग और दो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग, ठीक है। इस तरह से रिएक्ट किया, तो अब देखें रिएक्शन किस तरह से हुआ। सबसे पहले तो CO2 बनी, एक कार्बन एटम हटके इधर ओके जो O2 के बीच में आ गया और इस तरह से CO2 बन गई। उसके बाद वाटर बना। देखिए यहाँ पे अब दो ऑक्सीजन रहते थे ना, यहाँ पे फोर हाइड्रोजन एटम रहते थे, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया और इस तरह से एक बॉन्ड बना लिया और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। तो इस तरह से बर्निंग हुई और न्यू केमिकल रिएक्शन हुआ। देखिए किस तरह से रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की, आपस में जो दोनों सब्सटेंसेस थे उन्होंने अपने एटम्स को रीअरेंज कर लिया, दो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। ये मीथेन की एग्जाम्पल थी। फिर उसके बाद एक और एक एग्जांपल है, दी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज शोन बिलो इन फिगर 5.3। क्या बताया हुआ है कि रीअरेंजमेंट किस तरह से हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो वाटर किस तरह से प्रोड्यूस हुआ। देखिए जरा, टू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, साथ कम एक ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ। और देखें दोनों गैसियस फॉर्म में, ये हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद वाटर जो है वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब वाटर किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, एक ऑक्सीजन इन दोनों एच के बीच में आ गई और इधर से एक ऑक्सीजन इन दोनों एच के बीच में आ गई, इधर से दो बॉन्ड बन गए, दो वाटर के दो वाटर कंपाउंड्स जो है ये प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने लिखे जी गैसियस फॉर्म। यूजुअली क्या होता है, बर्निंग होती है जब हीट अप किया जाता है इन दोनों को तो प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस तरह से वाटर जब प्रोड्यूस होता है तो स्टीम की फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, डेट इज यहाँ पे जी लिखा हुआ है। रिएक्टेंट्स क्या थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में, और जो हमें प्रोडक्ट्स मिले वो वाटर मिला लेकिन गैसियस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम जो हमेशा ही जो स्टेट है बिल्कुल चेंज हो रही हो, जरूरी नहीं कि अब हो सकता है कभी सेम स्टेट में भी आ रहा हो, तो डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शन। सो क्लास, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर नोट, इज अ डायरी टू डू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। और आपने जो क्वेश्चन में 2.3 द शॉर्ट आंसर, वो आपने कॉपीज पे करना है, बाकी सब आपने बुक पे कंप्लीट करना है, और आपने बुक की और कॉपी दोनों की इमेजेस जो है अपने ग्रुप में सेंड करनी है। Thank you class, that's all for now, take care of yourselves, Allah Hafiz.